आज हम कमिश्नर साहब से मिले हैं कि एक तो शहर के अंदर जो सीवरेज की समस्या है, कई जगह सीवरेज के कनेक्शन हुए ही नहीं है, और कई कनेक्शन हुए हैं तो जगह जगह सीवरेज के चैम्बर में से पानी निकल रहा है। किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग सीवरेज को लेकर के नहीं हो रही है, उसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया। दूसरा, शहर में विकास कार्यों को लेकर के हमने साधारण सभा में भी मांग की थी कि 50-50 लाख के विकास कार्य होने चाहिए। अब हम किसी भी सूरत में चुप नहीं बैठेंगे। शहर की जनता में और शहर के अंदर यदि विकास कार्य नहीं हुए, इस बारिश के मौसम में जगह जगह सड़कें खुदी हुई पड़ी है, आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति निगम प्रशासन की द्वारा, कोई जेईएन एएन या कोई व्यक्ति नहीं है कि जो उन खड्डों को देख ले या कोई समय पर जनता को राहत पहुँचाए। हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर सड़कें खुदी हुई है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, आने जाने वालों लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। हमने आयुक्त साहब से मांग करी कि तुरंत प्रभाव से इस गड्ढों को भरा जाए और जो समय पर ये सड़कों की दुरुस्तीकरण किया जाए। अन्यथा सभी पार्षद मिलके, हम सब कांग्रेस के पार्षद जन अभी मिले हैं, और चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो, चाहे कोई भी हो, शहर का जनप्रतिनिधि जनता ने चुन के भेजा है, हम जनता की आवाज़ उठाने आए हैं, यहाँ पर चुप रहने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए किसी भी सूरत में हम चुप नहीं बैठेंगे, और जो इस बारिश के मौसम में जो अव्यवस्था हो रही है उसको लेकर के हम प्रशासन, जो हमारे निगम के आयुक्त साहब हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करके जो अतिवृष्टि की वजह से वार्डों के अंदर जो रोडें टूटी हैं, नाले टूटे हैं, जगह जगह जो खड्डे पड़े हैं उनको दुरुस्त किया जाए। आज दो चीज़ को लेकर हमने माननीय सीईओ साहब का महोदय ज्ञापन दिया है। एक, हमारे पार्षदों को लेटर दिया गया था जिसके अंदर सीवरेज के, स्मार्ट सिटी ने सीवरेज के लिए हमारे से झूठी मोहर लगवाना चाहिए, ठीक है ना। सीईओ साहब को उस चीज़ का मालूम ही नहीं है, तो हमने पार्षदों ने सीईओ साहब से ये निवेदन करा है कि इन्होंने हमारे नगर निगम में कब्जा कर करके ज़मीनों पर स्मार्ट सिटी चाय जो बना दिया, किसमें हॉल बना दिया, पटेल मैदान इन्होंने कब्जा करके मैंने सब कुछ कर दिया। हमारे पास नगर निगम के पास कुछ चीज़ नहीं है कि हम यूज़ में ले सके नगर निगम अपनी निजी कुछ समय। साथ ही इसके अंदर हमने ये उनको कहा है कि साहब इसके अंदर एक कार्यशाला लगाएं आप स्मार्ट सिटी पर, जिसके अंदर सारी बात सामने आ जाएगी, तब हमसे आप मोहर लगवाएं। अभी हमारी जो इन्होंने चोरी छुपे कुछ पार्षदों से मोहर लगवा ली है इंस्पेक्टरों ने, जमादारों ने, उसको हम निरस्त समझते हैं, उसको निरस्त समझा जाए और हमारी एक कार्यशाला लगाई जाए। साथ ही आपको इतने समय से नगर निगम के अंदर विकास कार्यों पे कोई बजट नहीं मिला है। हमने जीसी के अंदर 50 लाख रुपए का बजट पारित कराया था, जिसके अंदर मेयर साहब ने बोला सब वार्ड में 50-50 लाख रुपए के कार्य होंगे, लेकिन उसको भी आज जीसी को इतना टाइम हो गया, 5 से 7-8 महीने हो गए, कोई बजट नहीं लगा है। तो आयुक्त मुझे पहले भी निवेदन करा था, पुनः हम निवेदन करना है कि जल्द से जल्द 25 लाख का आप काम लगवाएं या 50 लाख का काम लगवाएं, जिससे हमारे सड़कें बन सकें, सड़कें के अंदर जो गड्ढे हैं वो भर सकें, सीवरेज के जो सड़कें छोड़ के बना के वो हम बना सकें और हमारी नालियां बना सकें। तो वो सब चीज़ के लिए आज हमने इनको ज्ञापन दिया। अगर पुनः ये सच्चाई है, अब नहीं अगर ये काम नहीं होता है तो ये महात्मा गांधी जी के स्टैचू के सामने हम पूरा कांग्रेसी पार्षद धरना देंगे। साथ ही ये और चेताना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी ने जो जिन्होंने काम किया है, बेकार काम किया है, बिल्कुल गंदा ब्रिज बनाया तो गंदा बनाया, सब कुछ बनाया, केवल जेब भरने के अलावा कोई काम नहीं करा इन्होंने। ये आपको स्पष्ट रूप से स्मार्ट सिटी को भी कह देते हैं, जेब भर भर के सारे अधिकारी अपने अपने घर चल दिए, और ये जो हम पे ठोंप दिए खड्डे वड्डे सारे सड़कें बनाए, इसमें आज खड्डे देख रहे हो आप, प्रत्येक व्यक्ति खड्डे में मर रहा है। अगर नहीं हुई तो मैं आपको मीडिया के द्वारा सूचित करना चाहता हूँ, कलेक्टर महोदय को और हमारे सीईओ साहब को, कि अगर ये जल्द से जल्द कार्य नहीं हुआ सड़कों के गड्ढों का और हमारे वार्डों का, तो सड़कों के ऊपर अर्धनग्न प्रदर्शन किया जाएगा पार्षदों द्वारा, मेरे द्वारा। तो ये स्पष्ट रूप में आप जान लें कि आप काम तो करना पड़ेगा। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि 25 लाख के जो काम है आपके बरसात होते चालू कर देंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही कार्यशाला के लिए बोला है कि हम कार्यशाला लगा देते हैं स्मार्ट सिटी के लिए, तो आप उस समय बात कर लेना, जो भी है हमारी बात जब रख देंगे। निर्देश सत्या उन्ना पार्षद नगर निगम।